पौड़ी जिले में लोक पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में कांस मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भीलन नृत्य भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की, तो वहीं लोक गायक गजेंद्र राणा ने अपने गीतों पर थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान और SSP श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद अधिकारियों ने भीला नृत्य खेल का इगास पर्व मनाया। पौड़ी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। और इस विकास पर्व को हमारे जिलाधिकारी महोदय SSP महोदय ने यहाँ पर इस प्रकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को इस प्रकार से मनाया गया, जो पहली बार नहीं कहेंगे हमसे, क्योंकि हमारी पौड़ी की धरोहर ही ये पौड़ी जिले की धरोहर है। और ये इगास का कार्यक्रम और जो भैले जो आज सार्वजनिक खेले गए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक कार्यक्रम है। मैं इसके लिए जिलाधिकारी और SSP साहब को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी। जिला प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहेंगे पौड़ी व्यापार सभा की तरफ से कि उन्होंने पौड़ी में आज इतना जो हमारा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे पहला, तो जो आज उन्होंने शुरुआत की है, तो ये एक इनका आगाज है। मतलब इसी से पता चलता है कि जिलाधिकारी जी मौजूद यहाँ पे हैं तो उनके अंदर कितनी जीव उठता है अपनी संस्कृति प्रति। जिस भी प्रदेश है वो हमारे प्रदेश से नहीं है, वो दूसरे प्रदेश से है, उनका जो स्थायी निवास है उधर है, लेकिन उनकी जो जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं उसी प्रदेश की जीवरता के तो संस्कृति के साथ वो घुल मिल जा रहे हैं। आज भगवान भाई आपका जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो है कल गगाड़सू में जो है मेरा प्रोग्राम था और मैं जो है पोखरी नागनाथ पोखरी से जो आज यहाँ पर आया, तो आज जो है DM आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है SSP श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया कि जो है आप जो है इस इगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान में पौड़ी में जो मना रहे हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर आए। और जब मैं आया मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है। हमारी सांस्कृतिक दल की महिलाओं ने जितना यहाँ पे डांस किया, तो गजेंद्र राणा साहब का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम में अपना योगदान दिया उन सभी लोगों को, मैं DG कल्चर या महानिदेशक कल्चर रह चुका हूँ, तो मैं ये कोशिश यहाँ पे करूँगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसको जितना हम लोग मदद कर सकें आगे बढ़ाने में, हमारे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में, उसके लिए हम लोग ट्राई करें।